नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे और हम BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आउटपुट लेंगे। इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम सिंगल डिजिट यूज़ करेंगे। ये दो तरह के आते हैं, इसमें मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ये चाहे कॉमन एनोड हो चाहे कॉमन कैथोड हो, इनकी जो सेंट्रल पिंस होती है टॉप रो और बॉटम रो की, आपस में शॉर्ट होती है और उसी हिसाब से हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो मैं इसमें 3 वोल्ट की सप्लाई जोड़कर अभी आपको कॉमन एनोड को ऑन कर दिखाता हूँ अलग अलग LEDs को। मेरे पास ये 1 एम्पियर का अडॉप्टर है जिसे मैंने 3 वोल्ट पे सेट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं कॉमन एनोड को ऑन कर रहा हूँ तो मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है अपने इसकी सेंटर पिन पे कनेक्ट कर लूँगा। और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है इसकी पिंस का, जिस पिन को मैं एक्टिवेट करूँगा उसी हिसाब से LED ग्लो करेगी इसकी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ कॉमन एनोड का। अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज नंबर दे देते हैं सभी LEDs के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 to 10, 5 डॉट पॉइंट के लिए होता है, ये 8वीं LED होगी एक तरह से, बाकी इसमें 7 LEDs यहाँ होती हैं। 1 नंबर पे E है तो E आपका ये है, जैसे ही आप 1 नंबर पर सप्लाई देंगे तो आपका E ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है, तो ये आप कॉमन एनोड है इसका मतलब। ऐसे ही अगर कॉमन कैथोड करेंगे तो आपको उसमें सेंटर पॉइंट पे नेगेटिव पावर देनी होगी और इसी तरह से सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे वो वर्क करेगा। सेकंड कंपोनेंट एक यूज़ करेंगे हम डी स्विच, जिसमें 4 स्विच हैं छोटे छोटे। इसमें जो हमने नंबर मार्क्स किए हैं 1 से लेके 8 तक एंटी क्लॉकवाइज हमने शो कर रखे हैं। थर्ड कंपोनेंट हम लेंगे एक IC 74LS47, इसमें 16 पिन्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो IC है 74LS47, इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से है। सब देखिए, 8 नंबर पे ग्राउंड यानी नेगेटिव, ये 16 नंबर पिन पे VCC, ये पॉजिटिव सप्लाई है। ये जो आप FGABCDE देख रहे हैं, ये वाले ABCD वाले पिन्स हैं जो इसके हमारे डिस्प्ले को सप्लाई जाएगी। इसकी जो इनपुट पिन्स है जो हमें इस डिप स्विच से कनेक्शन देने हैं वो 1, 2, 6 और 7 है, जिसको हमने लिखा है ABCD। ये फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये LT मैंने लैम्प टेस्ट, RB मैंने रिपल ब्लिंक आउटपुट, रिपल ब्लिंक इनपुट। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम है। ये वाले जो पिंस हैं जो इसके आउटपुट हैं वो इस डिस्प्ले में आएंगे, जो इधर से 15 से लेकर 9 तक हैं। और जो ये 1, 2, 6, 7 है, जो 4 ये पिन है, वो इस स्विच को हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो अब इसके ऊपर हम अलग अलग डिजिट्स को शो करेंगे और ASCII कोड आप जानते हैं, जैसे 000 होता है तो वो 0 शो करेगा। तो आप इस टेबल को कंसल्ट कर लीजिए, देखिए डेसिमल नंबर में 0 है तो BCD में 000, 1 है तो 001। इस तरह से आप 9 तक के अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं इनके BCD के और नोट कर सकते हैं। इसी हिसाब से जब हम सप्लाई जोड़ेंगे, कनेक्शन करेंगे, तो हमको ये वाले आउटपुट डेसिमल में मिलेंगे अगर हम BCD से इनपुट देते हैं। इसके साथ और जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे इस ब्रेडबोर्ड पे। इसके हमने एक अलग वीडियो बनाई थी कहाँ से किस तरह से इसके कनेक्शंस होते हैं। यहाँ इसमें ये बड़ा ब्रेडबोर्ड है जैसे ये वाला, तो इसमें इधर पॉजिटिव नेगेटिव यानी ये पावर रेल है, 1, 2, 3 और 4 पावर रेल है। ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपस में कनेक्ट है, ऊपर की लाइन और नीचे की। तो यहाँ से ब्रेक है, तो आपको 4 अलग अलग सप्लाई के ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ इन्होंने नंबर और अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके आपको बताएं, बाकी हम इसी यूज़ करेंगे और इसी पे सभी कंपोनेंट्स को लगाएंगे। और हमें 3 कनेक्शंस को करने के लिए इस तरह की मेल जम्पर वायर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अपने पार्ट्स को फिट कर लेते हैं। पॉजिटिव सप्लाई के लिए, नेगेटिव सप्लाई के लिए, और इसके 1 से लेकर 4 तक को पॉजिटिव सप्लाई हमें देनी है।
फ्रेंड्स, डीप स्विच के ऊपर के 5, 6, 7, 8 जो पॉइंट्स हैं उनको हम 1 के 4 रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। बीच में आप 1-2 स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि उनके बाद में हम कनेक्शन इस आईसी के साथ कर पाएँ। तो इसके जो 5, 6, 7, 8 हैं उनको नेगेटिव जो ऊपर ब्लैक वायर का जहाँ कनेक्शन है पावर रेल में वहाँ इसे कनेक्ट किया जाएगा। अब हमको इस स्विच के इस आईसी के साथ कनेक्शन करने हैं। आईसी के जो पिन्स हैं वो 1 से 8 इधर हैं, 9 से 16 इधर हैं। सो 16 को हमें पॉजिटिव में कनेक्ट करना है और 8 को ग्राउंड में। इसके बाद 3, 4, 5 तीनों पिन पॉजिटिव में कनेक्ट करनी है। यहाँ स्विच से हम लोगों को आईसी के साथ कनेक्शन करने हैं और इसके कनेक्शन के जो नंबर्स हैं वो इस तरह से, इसके 5th पॉइंट को इसके 7th पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। 6 to 1, 7 to 2 and 8 to 6 नोट कर सकते हो आप। सो 5 दैट मीन्स जो हमने यहाँ पर अपने लिए जो हमारे पास स्पेस है उसमें हम इसका 5 ले लेंगे, उसके बाद 6, 7 और 8। सो मैं 5 to 7 and 6 to 1 7 to 2 7 to 2 and finally 8 to 6। फ्रेंड्स, इस डिस्प्ले के कॉमन एनोड पॉइंट को, जो कॉमन पॉइंट है उसको हम पावर देंगे पॉजिटिव सप्लाई। और ये देखिए, नोट कर लीजिए आप, इस आईसी से इस डिस्प्ले में जो कनेक्शंस है वो इस तरह से 15 to 9, 14 to 10, 13 to 9 to 1 ये सारे मैंने यहाँ नोट किए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सो मैं अभी इन्हें कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये सभी इस तरह से ही कनेक्ट होंगे। तो आपने देखा इसका 1 to 8 है, फिर यहाँ 9 to 16 है, तो ये इसका 15 पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आप जैसे 15 to 9 है तो आपको इसका भी 9 है, तो ये 1 to 5 और ये 9, 10 है। तो आप इस तरह से ही आप इसमें कनेक्शन करते जाएंगे सभी के सभी और ये कंप्लीट हो जाएगा ये इस आईसी से इस डिस्प्ले के कनेक्शन। सो गाइस, मैंने सभी कनेक्शन एज़ पर दिस लिस्ट मैं कर चुका हूँ ये वायर्स के, ये देख लिए सब कनेक्शन हो गए। और ये हमारे पास पावर जहाँ देनी है हमें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये है। इसके लिए हम लोग ये सप्लाई यूज़ करें, 3 वोल्ट ले रखा है हमने इसमें। इसके दोनों टर्मिनल्स को हम अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी लगा देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में। तो इसका सर्किट अब पूरा होगा, अब हम इसे चेक करेंगे। सभी स्विच अभी नीचे हैं तो इसमें आपको 0 डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम बिल्कुल कॉर्नर का स्विच ऊपर करेंगे इसमें 1 डिस्प्ले होगा, वापस करने से 0 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड वाले को ऊपर करेंगे फर्स्ट वाले को बैक करके तो 2 मिलेगा। सिमिलरली 3 लिखने के लिए पहला और दूसरा दोनों हमें ऑन करने होंगे, हमें 3 मिल जाएगा। और 4 लिखने के लिए थर्ड वाले स्विच को हम ऑन करेंगे और पहले और दूसरे को वापस कर देंगे जिससे कि हमको 4 मिलेगा। फाइव के लिए हमें 4 के साथ बिल्कुल फर्स्ट वाला स्विच ऑन करना होगा, तो 5 हो जाएगा, 4 + 1 = 5। और 6 लिखने के लिए फर्स्ट वाला वापस करेंगे, थर्ड और सेकंड को ऑन करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 0110 है जैसे मैंने आपको टेबल दिखाई थी। उसी तरह से फिर आप 7, 8 और 9 भी इस पर लिख सकते हैं। 9 में 1001 है, यानी 1 मींस ऑन, 00 मींस ऑफ और 1 मींस ऑन। सो फर्स्ट और लास्ट वाला ऑन करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स ये वो लिस्ट है जिसे आप चेक कर सकते हैं, बी सी डी टू डेसीमल, ये डेसीमल के नंबर्स हैं। जो भी आपको इसमें डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले करना है नंबर, उसको आप इस तरीके से करेंगे तो आपके स्विच हैं, अगर सभी स्विच ऑफ है तो आपको जीरो दिखाई देगा, अगर पहले वाला ऑन है तो आपको वन दिखाई देगा। मैंने इसी तरह से आपको डिस्प्ले किए थे, तो ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाइनरी, और ये आपका डेसिमल है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, हैव ए नाइस डे।